Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश में जो है एक वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले जो बहुत ही पॉपुलर है वह वर्ड है एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब सबको पता है, जनरली तौर पे सबको पता रहता है, हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षा. लेकिन 99.9% लोगों का मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि इस वर्ड में क्या खासियत है, क्या राज छिपा हुआ है. दोस्तों, इस वर्ड में बहुत बड़ा राज है, आज उसी का चर्चा करने वाले हैं. देखिए दोस्तों, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें 5 का 5 अर्थात 5ों का 5 वॉवेल्स जो है उसमें शामिल है. कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें 5ों का 5 वॉवेल्स शामिल है? तो वह वर्ड है एजुकेशन. एजुकेशन में आप देख सकते हैं स्पेलिंग देखा जाए तो ई ये पहला वॉवेल्स हो गया, उसके बाद यू दूसरा हो गया, ए चौथा हो तीसरा हो गया, आई चौथा हो गया और ओ जो है पांचवा है. दोस्तों तो यहां पे 5ों का 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ये इस वर्ड्स में राज छिपा दोस्तों जो इंटरव्यू में पूछा गया था. तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें 5ों वॉवेल्स शामिल है तो वह है एजुकेशन. एजुकेशन 5ों वॉवेल्स शामिल है. वॉवेल्स का मतलब आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय जो है क्या होता है कि किसी भी दूसरे अंग की सहायता नहीं ली जाती. इसका पहचानने के नियम है, आप लोग चेक करके भी दे सकते हैं. ए ई आई ओ यू कहीं भी आपका टच नहीं करेगा तो इसे वॉवेल्स बोलते हैं. वॉवेल्स 5 होता है. तो ये था आपका ज्ञान, आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो हुआ. अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले. दोस्तों इस तरह के आप लोग को फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है. अगर आपको कोई दोस्त है, भाई बहन है तो कॉमर्स का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया जो आपका जैक का एग्जाम होने वाला है 2021-2022 में जनवरी में. तो आप लोग को दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद.